चलिए तो अब हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कितनी हीट देंगे तो पानी गर्म होगा, ऑब्जेक्ट गर्म होगा, पिघल जाएगा। पर अब हम सीखेंगे हीट देने के तरीके, हीट ट्रांसफर। तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बोला था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस कर लेना, तो कर लिया थोड़ा बहुत, 10वीं वाला। वेरी गुड। तो लिखो इसमें हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम, विच ट्रांसफर्स फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक। हीट ट्रांसफर के तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट लिखिए कंडक्शन, पहला है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, अभी हम जस्ट इंट्रो इंट्रो कर रहे हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है देखिए, से मान लो ये हायर टेम्परेचर का कोई सोर्स है, ये लोअर टेम्परेचर का कोई सोर्स है। हमने यहाँ पे कोई रॉड लगा दी, ऐसी रॉड, ऐसी चीज लगा दी जिसका मटेरियल हीट के लिए कंडक्टर है, जिसका मटेरियल हीट के लिए कंडक्टर है, ज्यादा हो सकता है कम, पर कंडक्टर। तो एनर्जी, अब वही चम्मच, आप कढ़ाई में चम्मच छोड़ देते हो तो चम्मच पीछे तक गर्म हो जाती है ना, वही वही है। तो यहाँ पे पूरी रॉड गर्म हो जाएगी, या यहाँ की एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। कंडक्शन में ट्रांसफर कैसे होता है, कंडक्शन में ट्रांसफर के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मीडियम ही तो हो गया ये भाई, सोर्स से सिंक को कनेक्ट करने के लिए जो भी है वो मीडियम है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मीडियम का पार्टिकल है वो हायर साइड से एनर्जी लेता है और लोअर साइड वाले पार्टिकल को, मीडियम को देता है। फिर वो वाला अलग, मतलब रॉड के पार्टिकल है मान लो बहुत सारे यहाँ खड़े हुए हैं, वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, ये एनर्जी यहाँ से लेंगे और आगे ट्रांसफर करेंगे, वो फिर आगे देगा, फिर वो आगे देगा। तो यहाँ मीडियम की रिक्वायरमेंट है, पर मीडियम के पार्टिकल्स का ट्रांसफर नहीं होता है। ये किसमें हो गया, कंडक्शन। समझ में आई बात, मीडियम है जरूरी लेकिन मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। फिर दूसरा है, तीनों को एक साथ लिख लेंगे, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में आप ऐसे समझो कि एसी में ठंडी हवा निकली वहां से, फिर अपन फैन ऑन कर देते हैं, वो ठंडी हवा एकदम से आती है अपने पास। या मान लो कि यहाँ कोई फैन लग रहा है और यहाँ तुम बैठे हो, तो ये फैन ऑन हो गया, फिर गरम गरम हवा इधर आ जाएगी तुम्हारे पास कि नहीं आएगी। जैसे पानी गर्म होता है, नीचे का पानी गर्म होके ऊपर ऐसे वो बुलबुले होके गोल 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 चलते रहते हैं। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है सुनना, यहाँ पे ट्रांसफर हुई हीट, लेकिन कैसे हुई, ये जो गर्म हवा है यहाँ पे, जो गर्म हो गई हवा, वो इस पंखे की हवा की वजह से आगे गई, वो गर्म हवा खुद एनर्जी को लेके आगे गई, मतलब मीडियम के पार्टिकल खुद एनर्जी को लेके आगे गए। क्या हुआ यहाँ पे, हाँ जैसे मैं मीडियम का पार्टिकल हूँ, मैं यहाँ से एनर्जी उठाऊंगा और भागूंगा और वहां देके आऊंगा, फिर आऊंगा फिर उठाऊंगा। तो इसमें मीडियम के पार्टिकल, मीडियम की रिक्वायरमेंट तो है ही, साथ में मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, ट्रांसफर होता है, मतलब इधर से उधर, उधर से उधर जाते हैं, ये क्या हो गया, कन्वेक्शन। और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या हो गया, रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, इसमें जो सोर्स है वो एनर्जी को ऐसे लड्डू बनाता है बॉल जैसी और फेंक देता है। कौन कर रहा है ये काम, सोर्स खुद कर रहा है,
सोर्स से एनर्जी जाती है सिंक में, मतलब जहां भी जानी होती है डेस्टिनेशन पे, लेकिन रास्ते में उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो खुद वहां से एनर्जी का पैकेट बनाता है जिसको फोटोन कहते हैं और फोटोन को फेंक देता है। जैसे सन से एनर्जी आती है अर्थ पर, ये क्या है? रेडिएशन। पर ऐसा नहीं कि सन से जो अर्थ पर एनर्जी आती है बस वही रेडिएशन, ऐसा हम पढ़ेंगे भी और आपको हो सकता है पता भी हो कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो रेडिएट करता है। जैसे हम सभी अभी रेडिएट कर रहे हैं, हम सभी क्यों, टेबल कुर्सी पेन सब कुछ रेडिएट कर रहे हैं। 0 केल्विन का मतलब एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन का मतलब जहां पे सारी सारी प्रोसेस रुक जाएगी, सब जम जाएगा, मरना बूढ़ा होना सब रुक जाएगा। मतलब 0 केल्विन पर आपको भी जमा दें और 100 साल बाद निकालें तो आप ऐसे कैसे निकलेंगे सेम कुछ है? कुछ भी याद नहीं आया? चलो ठीक, चलो बढ़िया, इसको लिख लो। रेडिएशन में एग्जांपल क्या लिखोगे? पहले रेडिएशन में लिखना कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और दूसरा लिखना कि हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। हीट किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। ठीक है, लिख लो, इसको थोड़ा जल्दी लिखना है, बस इसमें जानकारी है कि कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर तो हेडिंग डालेंगे कंडक्शन, कंडक्शन को डिटेल में पढ़ना है, हम कंडक्शन और रेडिएशन डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल मतलब जिसमें फॉर्मूले आएंगे, कैलकुलेशन आएगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे। कन्वेक्शन में आप एक पैराग्राफ है जो मैंने बताया उसमें थोड़ा और इधर उधर ऐड करके बस थ्योरी थ्योरी थोड़ी सी आप चाहे तो एनसीईआरटी या मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। मॉड्यूल में दे रखी है, एक पैराग्राफ की थ्योरी है, लगभग वही है जो मैंने बोला, उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना। बाकी इसमें कोई फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल किसमें? कन्वेक्शन में नहीं है। कंडक्शन में जैसे ये किसका कंडक्शन है? हीट का कंडक्शन। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसका कंडक्शन होता है? चार्ज का कंडक्शन होता है। तो जिसमें चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, उनको कंडक्टर कहते हैं। जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है उनको इंसुलेटर कहते हैं, है ना? तो ऐसा हो सकता है कि किस कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें करंट फ्लो ना होता हो लेकिन वो हीट के लिए कंडक्टर हो। तो जरा कंफ्यूज मत होना कि हीट का कंडक्टर है कि चार्ज का कंडक्टर है, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे लकड़ी में हीट तो ट्रांसफर हो जाती है, नहीं होती, हीट तो हो जाती है, धीरे होती है, बहुत स्लो होती है, पर हो जाती है। लकड़ी की चम्मच जो आती है वो भी गर्म तो हो ही जाती है, उतनी नहीं होती स्टील जितनी नहीं होती। स्टील की चम्मच जाती है कढ़ाई में छोड़ दो तो गर्म ही हो जाती एकदम, पर लकड़ी वाली जो चम्मच आती है उसको छोड़ दो तो थोड़ी थोड़ी हो जाती है, नहीं होती, बहुत कम, लगभग इंसुलेटर से ऐसा। अच्छा, जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि लकड़ी में आग लगा दी खत्म लकड़ी, ऐसा नहीं कर रहा, हम गर्म करने की बात कर रहे हैं, कढ़ाई में छोड़ने की। खैर जो भी है, पर ये बात पक्की कि लकड़ी में करंट तो नहीं जाता है। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज वाला करंट, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जो भी, ठीक है, कंडक्शन। तो कंडक्शन हम पढ़ रहे हैं, हो गया हो गया हो गया। तो ऐसा मानो कि एक रॉड है जो रूम में पड़ी हुई है, ऐसी कंडक्टिंग रॉड है। कंडक्टिंग में जहाँ बोल रहा हूँ किसके लिए कंडक्टर बोल रहा हूँ? हीट के लिए। कंडक्टिंग रॉड है, पड़ी हुई है रूम में, रूम में पड़े पड़े इसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस रॉड को यहाँ लगा दिया बीच में, ये क्या है? ये है सोर्स। किसके सोर्स हैं? टेम्प हीट एनर्जी सोर्स है ये जो भी सोर्स है, इलेक्ट्रिक सोर्स है, जैसे भी सोर्स है, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि मान लो ये अपना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रहा है, कोई सा भी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, मान लो 90 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रहा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रहा है। कैसे मेंटेन कर रहे हो, इनकी प्रॉब्लम है, कोई बाहर से एनर्जी का कुछ होगा जो मेंटेन करवा के रखी इनकी एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में क्या लगा दी? ये रॉड लगा दी। रॉड का टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री था।
लेकिन आप इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, 90। रॉड के इस एंड मतलब इस पॉइंट का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर 10, तो रॉड का जो ये वाला एंड है वो तो 90 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। और ये वाला एंड है जो कनेक्टेड है बिल्कुल, वो किस पे पहुंचेगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर। अब एक बात समझना है यहाँ पे, कुछ बातें जो समझने की हैं, क्योंकि अभी अभी हम ऐसी चीज पढ़ के आए हैं कि जब भी हम दो अलग अलग टेम्परेचर की चीजों को कनेक्ट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो एट द एंड वो सेम टेम्परेचर पर आ जाते हैं, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। पर यहाँ तो मैंने ऐसा बोला ही नहीं, उल्टा एक ही रॉड का एक एंड अलग टेम्परेचर पर है, दूसरा एंड अलग टेम्परेचर पर, क्योंकि यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आया है। उसका कारण क्या है, इन दोनों सोर्स ने अपनी टेम्परेचर मेंटेन कर रखी है। मतलब जब हमने रॉड को कनेक्ट किया, इसमें से एनर्जी निकली, इधर गई होगी, तो इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए था, इसका बढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये सोर्स हैं, कहीं से इनका इनको एनर्जी मिल रही है, इसने अपना टेम्परेचर 90 डिग्री मेंटेन कर रखा है, इसने अपना 10 मेंटेन कर रखा है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो लगातार चल रहा है। समझ में आ गया? तो इसलिए ये वाला कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए कि एट द एंड इस पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और रॉड का ही क्यों, इसका, रॉड का और इसका टेम्परेचर सेम हो जाना चाहिए, और वो थर्मल इक्विलिब्रियम आया, थर्मल इक्विलिब्रियम आ ही नहीं रहा है, हीट का ट्रांसफर लगातार चले जाए। ये क्लियर है बात? उसके बाद इस पॉइंट का और इस पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग है, यानी कि रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग होगा। अच्छा, इसका 90 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 90 के सोर्स से कनेक्टेड है, इसका 10 से कम या ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 10 से कनेक्टेड है, लेकिन बीच में जो भी टेम्परेचर होगा वो जैसे जैसे हायर एनर्जी, हायर टेम्परेचर के सोर्स से दूर जाते जा रहे हैं, टेम्परेचर कम होते जाएगा और 90 से 10 के बीच में पूरे रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ऐसा होगा कैसे वो समझना, ये तो एंड है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने में हुआ क्या होगा जरा समझना। रॉड का इनिशियल टेम्परेचर तो पूरी रॉड का 25 था, यानी कि इस एंड का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, सब जगह का टेम्परेचर 25 था। अब जैसे ही उसको इन सोर्स के बीच में कनेक्ट किया, तो सोर्स ने देखा हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी, रास्ता मिल गया, चलो ठीक है ना, वो चलने लगे। तो अब जैसे ही ये वाला एंड के पास एनर्जी आई, इसको लालच आया, ये बोले मेरा टेम्परेचर तो 25 डिग्री है, पर मेरे पास मौका है, एनर्जी आ रही है, मैं अपने उसको अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा सकता हूँ। तो इसने एनर्जी खाना स्टार्ट किया, खाया खाया खाया, 90 डिग्री पे पहुंच गया, लेकिन इससे ज्यादा भी एनर्जी, इससे ज्यादा टेम्परेचर को खा ही नहीं सकता, बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि तो ये 90 से कनेक्टेड है। तो अब ये क्या करेगा, जो एनर्जी आएगी उसको आगे भेज देगा, उठाएगा और आगे भेज देगा, जिसको खाली जितनी खानी थी अब आगे भेज देगा, अब उसकी बारी, वो खाएगा। पर वो भी एक टेम्परेचर हाईएस्ट, जितना इसका मैक्सिमम टेम्परेचर उतने तक खा सकता है, फिर वो आगे भेज देगा। ऐसे करते 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 एट द एंड ये होगा कि पूरी रॉड में हर पार्टिकल का पॉइंट पेट भर जाएगा, उनको जितनी एनर्जी लेनी है वो ले लेंगे। अब एक ऐसी स्टेट आ चुकी है कि सारे पार्टिकल्स ने अपना मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव कर लिया है, अब जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी ही जा रही है, रस्ते में उसका कोई भी काम नहीं चल रहा है। तो मैं ही बात, उस स्टेट को कहेंगे स्टेडी स्टेट। क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन उतना होने के बाद अब हीट का फ्लो कांस्टेंट हो जाएगा, जितनी एनर्जी पर सेकंड एंटर करेगी, जितने जूल पर सेकंड एंटर करेंगे उतने ही जूल पर सेकंड बाहर निकलेंगे। पर ये कब होगा, स्टेडी स्टेट आने के बाद, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले तो यहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन चल रहा, ठीक है, और हर पार्टिकल का टेम्परेचर अलग अलग होगा, सबका मैक्सिमम टेम्परेचर अलग अलग होगा, लेकिन सबका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा स्टेडी स्टेट आने के बाद। कांस्टेंट का मतलब, जैसे इसने 90 अचीव कर लिया, यहाँ पे कहीं होगा जिसने 80 अचीव कर लिया होगा, यहाँ पे कहीं होगा जिसने 70, 60, 50, 40 और आगे 10 तक अचीव कर लिए होंगे, बस फिक्स हो गए। ऐसा कब होगा, स्टेडी स्टेट आने के बाद, और हम सारी कैलकुलेशन उसके बाद की करेंगे। स्टेडी स्टेट आने के बाद जो हीट का फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, किसी जगह का कितना टेम्परेचर है, जैसे यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, अगर इस मोटी रॉड के आगे एक पतली रॉड लगा दें तो उसमें क्या फ्लो होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस तरह से चीजें करेंगे। पर सारी कैलकुलेशन किसके बाद करेंगे, स्टेडी स्टेट आने के बाद। तो उससे पहले के सवाल नहीं होते क्या, होते हैं, वो भी कर लेंगे, लेकिन ज्यादा किसके करेंगे, पहले किसके करेंगे, स्टेडी स्टेट आने के बाद, अचीव होने के बाद, वही ज्यादा है, ठीक है।
लिखते जाते हैं इसमें फिर। लिखते जाओ। तो ये रॉड को सोर्स के बीच में लगा दिया। अब लिखो, आफ्टर सम टाइम स्टेडी स्टेट विल बी अचीव्ड। और स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद ऐसा होगा कुछ कि यहाँ का टेम्परेचर मान लो TH, यहाँ का TL, यहाँ से यहाँ तक हीट फ्लो हो रही है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लूँ और इनके टेम्परेचर को अगर T1, T2, T3 लिखूँ, तो TH का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, उसके बाद T1, फिर T2, फिर T3, फिर TL हो जाएगा। ये टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे पर अलग अलग होंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, हायर से लोअर की तरफ। लिख लो ये। उसके बाद और लिखेंगे, इतना लिख लो पहले, इसके बाद ऐसे पॉइंट डाल डाल के लिखना। लिखो आगे, पॉइंट डाल के लिखो। स्टेडी स्टेट मींस टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट ऑफ रॉड डज नॉट चेंज विद टाइम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इट डज नॉट मीन दैट टेम्परेचर ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ रॉड विल बिकम सेम। क्या सीखा इससे आपने 2 पॉइंट में, कि सब पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा विद टाइम, लेकिन सबका टेम्परेचर अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, एट स्टेडी स्टेट द रॉड डज नॉट एब्जॉर्ब। एट स्टेडी स्टेट द रॉड डज नॉट एब्जॉर्ब एनी नेट हीट। रॉड डज नॉट एब्जॉर्ब एनी नेट हीट, फुल स्टॉप। द हीट सप्लाइड बाय हॉट रिजर्वायर डायरेक्टली गोज टू कोल्ड रिजर्वायर। डायरेक्टली गोज टू कोल्ड रिजर्वायर। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन पढ़ते हैं कि जो हीट वीट आ रही है जा रही है, कैसे आ रही जा रही है। तो इधर देख लो पहले, अब आपके पुराने ज्ञान की जरूरत पड़ेगी थोड़े से, ठीक है। इसके बाद अपन चालू कर, ये जो भी लिखा है आपने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि जितनी हीट आती है, अच्छा पहले उसका बना लो, जो आपने लास्ट पॉइंट लिखा है उसका एग्जांपल लिख लो। कि जैसे मान लो रॉड है, ये स्टेडी स्टेट में आ चुकी है, मतलब इधर का टेम्परेचर मान लो TH है और इधर का टेम्परेचर मान लो TL है, टेम्परेचर मेंटेन है एट द एंड, ये एट द एंड ये स्टेडी स्टेट में आ गई। अब जितनी भी हीट यहां से एंटर हो रही है उतनी ही हीट यहां से बाहर निकली। हीट पर सेकंड को अपन क्या बोलने वाले हैं, dQ/dt। यहाँ Q का मतलब चार्ज होगा, नहीं एनर्जी होगी, हीट होगी। dQ/dt मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। जितनी एंटर होगी उतनी ही बाहर निकली, ऐसा कहना चाह रहे हैं। रास्ते में किसी ने इस एनर्जी को खाया नहीं, किसी ने कोई, अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर रॉड कैसी भी हो, अलग क्रॉस सेक्शन की हो तब भी, मतलब उसमें तो बहुत सही लग रहा है आपने बोला, हाँ हाँ सही बात है, पर मैं कह रहा हूं कि ये क्रॉस सेक्शन अलग हो गया रॉड का, इधर मोटी है उधर पतली रॉड है, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, हायर टेम्परेचर पे है ये, लोअर टेम्परेचर पे। इसमें भी जितनी एनर्जी पर सेकेंड एंटर हो रही है उतनी एनर्जी पर सेकेंड बाहर निकलेगी, उसको अपन बोलेंगे हीट करंट। देखो जो करंट है, करंट याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है, dQ/dt, पर वहां क्यू क्या होता है, चार्ज।
और यहाँ डी क्यू अपॉन डी टी हीट, एम्पियर नहीं होगा यहाँ का, यहाँ का यूनिट, यहाँ का यूनिट होगा जूल पर सेकेंड, यहाँ के करंट की यूनिट है जूल पर सेकेंड, उसको अपन आई एच हीट करंट ऐसे अपना सिंबल बनाया हुआ है, बाकी डी क्यू अपॉन डी टी है वो, आई एच कुछ नहीं होता, डी क्यू अपॉन डी टी होता है, जितनी हीट एंटर होगी उतनी हीट बाहर निकलेगी। और कुछ चीजें बदल जाएंगी लेकिन करंट सेम रहेगा, हीट करंट जितना एंटर होगा उतना बाहर निकलेगा स्टडी स्टेट में आने के बाद। ठीक है क्या, समझ गए? चलो, इन दो डायग्रामों को बनाने के बाद, डी क्यू अपॉन डी टी बराबर करने के बाद, इधर देखेंगे आप, अब देखो इधर, अब रख दो सब पैन में, है ना, इधर देख लो। तो मैं इधर कुछ ऐसी बातें लिख रहा हूं जो आपको याद होनी चाहिए, हम एक पेज में लिखेंगे तो आप ऐसे सेक्शन बना लेना, चाहो तो पहले करंट रेशियो की बातें लिख लो, नीचे हीट की बातें लिख लेना, चाहो तो दो सेक्शन बना लो जैसा मन करे, इधर हीट करंट की बात है ना, पहले इधर सीख लो, इधर ध्यान से देख लो। यहाँ पे रजिस्टर वायर होता था, जो वायर यहाँ यूज हो रहे हैं लाइट में, लेकिन इसका सिंबल ऐसा बना लेते थे आर। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन ए और लेंथ मान लीजिए एल, और इसकी रजिस्टिविटी रो, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये होता था याद है, ये रिलेशन क्या होता था, आर रो एल ए के बीच में, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मतलब ए का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन उतना छोटा रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का मतलब यही है कि कोई पार्टिक कोई मटेरियल कितना ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने से, जिस जो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, सिंपल, यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, जैसे मान लो अगर ये रेजिस्टेंस है आर, इधर का वोल्टेज हायर, इधर का वोल्टेज मान लेते हैं लोअर, तो करंट हमेशा इन द रेजिस्टेंस हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में जाता है, इन द रेजिस्टेंस जाता है, और ओम्स लॉ के हिसाब से आप क्या लिखते हो, वी इज इक्वल टू आई, लेकिन वो वी वी नहीं होता, वो वी एच माइनस वी एल होता है हमेशा, इंटू आई इंटू आर। ये ध्यान रखें कि ये जो वी एच माइनस वी एल है, अगर आपने ये लिख दिया है तो जो आर आएगा वो वी एच और वी एल के बीच में जो भी वायर है उसी का रेजिस्टेंस आएगा। समझ में आई बात क्या बोली, जैसे मतलब अगर मान लो दो रेजिस्टेंस है और यहाँ का वी एच है, यहाँ का वी एल है, और यहाँ का आर वन आर टू रेजिस्टेंस है, फिर आपका बहुत मन किया कि यार ये तो सीरीज में है तो रेजिस्टेंस तो हो गया आर वन आर टू, आर वन प्लस आर टू, और आपने लिख दिया वी एच माइनस वी एल आई इंटू आर वन प्लस आर टू, ये गलत है। क्यों गलत है, वी एच और वी एल आर वन के अक्रॉस है, तो यहाँ सिर्फ वी एच माइनस वी एल इज आई इंटू आर वन, यही सही है, समझ गए? जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस लिखोगे, जैसे मान लो ये, चलो ठीक है समझ गए ना, ये तो पता ही है, इसमें क्या समझना है। तो ये बातें थी आपकी पुरानी, इसके अलावा सीरीज पैरेलल है वो भी पढ़ेंगे, उससे पहले इधर आ जाते हैं, थोड़ा हीट करंट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर रॉड होगी, बिल्कुल सही, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ए है, लेंथ एल है। अच्छा, यहाँ क्या डिफाइन होता है, रेजिस्टिविटी, यहां डिफाइन होती है कंडक्टिविटी के, क्या डिफाइन होती है, कंडक्टिविटी। अच्छा, यहां भी डिफाइन होती है कंडक्टिविटी, पर ये जो फॉर्मूला है रो एल अपॉन आर आउट ने जो पढ़ा है, रेजिस्टिविटी पढ़ी है, यहाँ पे भी कंडक्टिविटी डिफाइन होती है, पर रेजिस्टिविटी से फॉर्मूला लेते हैं, वहां के कंडक्टिविटी से फॉर्मूला लेते हैं, कंडक्टिविटी का सी नहीं है, के है सिंबल, ठीक है समझ गए? अब यहाँ पे वैसे कोई सिंबल होता नहीं है, जैसे यहाँ सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टर का, वहां कुछ नहीं होता, लेकिन अपन बना लेते हैं चलो ऐसा, और वो हीट रेजिस्टेंस है, ऐसा भी कोई टर्म नहीं होता है, मतलब ऑफिशियल टर्म नहीं है ऐसी कोई, हीट रेजिस्टेंस
अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो आर एच बना लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है बताओ, कंपेयर करके के एल अपॉन ए, नहीं के एल अपॉन ए नहीं, यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है, तो जितना रेजिस्टिविटी ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, के कंडक्टिविटी हो तो नीचे आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आएगा एल अपॉन के, जितनी कंडक्टिविटी ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, कंडक्टिविटी है वो, यहाँ भी आती कंडक्टिविटी, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला आर बराबर एल अपॉन सिग्मा ए बनता है, पर वो पहले रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हैं, वहां पे कंडक्टिविटी से डेफिनेशन आती है, वहां रेजिस्टिविटी से कोई टर्म नहीं होता। तो ये बन गया फॉर्मूला, एकदम सेम बना, यहाँ भी एल के प्रोपोर्शनल, एल के प्रोपोर्शनल, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए उसको रेजिस्टेंस जैसा ही कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है ओम्स लॉ की, यहाँ पे कोई ओम्स लॉ नहीं होता लेकिन ओम्स लॉ जैसा ही होता है क्या, कि जैसे मान लो ये अपना रॉड है कोई, जिसका रेजिस्टेंस हीट रेजिस्टेंस आर एच है, इधर का टेम्परेचर हायर टेम्परेचर, इधर का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, तो इसमें हायर से लोअर क्या क्या फ्लो होगी, हीट करंट, क्या फ्लो होगी, हीट करंट, और ये रिलेशन क्या आएगा, टी हायर माइनस टी लोअर इज इक्वल टू आई एच इंटू आर एच। ठीक है क्या, और आर एच क्या है, टी एच माइनस टी एल इज इक्वल टू आई एच, आर एच क्या है, आर एच जैसा कुछ है नहीं ऑफिस, एल अपॉन के। ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूं, आपको नीचे लिखते जाना, इसके नीचे लिखते जाना, ठीक है क्या, आई एच बराबर कितना आ गया बताओ, तो दो फॉर्मूले आ गए आपके जीवन में हीट ट्रांसफर से, कंडक्शन से रिलेटेड, बस खत्म चेक, आई एच बराबर के ए अपॉन एल डेल्टा टी, डेल्टा टी में हमेशा क्या लिखना है, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, टी हायर माइनस टी लोअर, ये कैसे डिसाइड होगा, टी हायर लोअर लिखा हुआ दिखेगा, 100 0, तो 100 ज्यादा है 0 कम है, या कई बार लिखा हुआ नहीं देखा, जहां पे देखने बताना, आप बता सकते हो क्या, मैंने बोला करंट इधर है तो बताओ ए का टेम्परेचर ज्यादा है या बी का टेम्परेचर ज्यादा है, देखो पता लग गया तुम्हें, कुछ नहीं लिखा फिर भी दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्यों, ए का टेम्परेचर ज्यादा क्यों है, करंट की डायरेक्शन क्या है, हायर से लोअर, तो हायर इधर लोअर, समझ गए क्या, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टी ए माइनस टी वी, बोले टी ए भी नहीं पता, टी वी नहीं पता, लेकिन इतना पता है ए ज्यादा है बी का, समझ गए क्या, और ये तो हो गया फॉर्मूला जो काम आएगा हमारे कैलकुलेशन में, बाकी इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी है, डिफरेंशियल फॉर्म क्या है जरा समझना, आई एच को हमने लिखा डी क्यू अपॉन डी टी, के ए अपॉन एल तो के अपॉन एल ही आएगा, के का मतलब कंडक्टिविटी, ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल का मतलब लेंथ ऑफ द रॉड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये है डी टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी टी चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर आप चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, हायर माइनस लोअर ले रहे हैं, तो फिर यही फॉर्मूला है, लेकिन अगर डी टी एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ले रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, और फाइनल का टेम्परेचर कम आएगा, इनिशियल ज्यादा आएगा, तो ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले में आप किताबों में देखोगे तो एक माइनस लगा रहता है, क्यों लगा रहता है माइनस, सोचो जरा, इसको पॉजिटिव करने के लिए, जैसे ज्यादा नहीं समझना है इसको पर फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ लो, जैसे मान लो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ का कम है, हमने किसी करंट इधर बहेगा, हमने यहाँ पे जाके एक एलिमेंट लिया, उस छोटे से एलिमेंट में डी क्यू अपॉन डी टी निकालना चाह रहे हैं अपन, करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर टी लिखा, यहाँ का टेम्परेचर टी प्लस डी टी लिखा, बताओ कौन सा ज्यादा है इसमें, टी ज्यादा है, अब करंट की डायरेक्शन में जाने पर टेम्परेचर कम होएगा, लेकिन जब फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल छोटा है इनिशियल बड़ा है, तो वो एक माइनस यहाँ लगाते हैं उसको प्लस करने के लिए। ठीक है, तो आप जब किताबों में फॉर्मूला दिखोगे तो एक माइनस यहाँ दिखेगा, तो ये फॉर्मूला बनता है ना, बाकी हमें जो यूज करना है जब तक इंटीग्रेशन नहीं करना है तब तक कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, इसमें सबका मतलब लिख लो, बिना मतलब के कोई फॉर्मूले का भी कोई मतलब नहीं होता, के का मतलब, ए का मतलब, एल का मतलब,
IH का मतलब, टी हायर टी लोअर का मतलब तो बताए, के का मतलब, हाँ लिखते जाओ पूरा वो लिखते जाओ, ये वहां से लिखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंडक्टिविटी ऑफ रॉड, इसकी यूनिट आपको पता लगानी है अभी, मतलब लिखते जाओ फिर पता लगाना। ए का मतलब क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन ये ध्यान रखना क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, जैसे करंट अगर यू फ्लो कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर, समझ में आ रही बात, परपेंडिकुलर टू द करंट, परपेंडिकुलर टू करंट। एल का मतलब लेंथ, पर लेंथ किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट आगे फ्लो कर रहा है तो यहां से वहां तक करंट की, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और आई एच का मतलब तो हो ही गया, डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इस तरीके से। क्या इसको लिख लो, बाकी की कहानी कल करेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ के आना कल, कल सवाल ही सवाल करेंगे अपन पूरे कंडक्शन के। और कोशिश करना अगर 10वीं क्लास की कोई नोटबुक पड़ी हो तो थोड़ा सा सीरीज पैरेलल के सवाल, उनमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये सब आपको पढ़ाया गया हो तो पढ़ के आना, नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पढ़ेंगे ठीक है, पढ़ के आया तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तुमको।